तो चलिए बच्चों, अभी हम यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है, देखिए बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज नोन एज, सबको पता होना चाहिए जो एलिमेंट्री कैनल में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों, व्हाट इज दैट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड एज? पेरिस्टाल्सिस, राइट? सिंपल सी बात है, द वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट आर प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। ये पेरिस्टाल्सिस की वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो फूड होता है एक ही डायरेक्शन में प्रोपेल किया जाता है। और बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी पेरिस्टाल्सिस की जरूरत होती है तब हमारे जीआई ट्रैक में रफेजेस का होना या फिर डायट्री फाइबर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? हम लोग पहले ये चीज सब अच्छे से पढ़ चुके, राइट? सो आंसर विल बी पेरिस्टाल्सिस। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाएंगे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड? सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ऑस्मो रेगुलेटर्स आर द एनिमल्स दैट, ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऑस्मो रेगुलेटर्स आर द एनिमल्स दैट मेंटेन्स इंटरनल ऑस्मोलैरिटी, डू नॉट मेंटेन इंटरनल ऑस्मोलैरिटी, एक्टिवली कंट्रोल्स ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड्स एंड नन ऑफ दिस। रिमेंबर आंसर विल बी ए, ऑस्मो रेगुलेटर्स आर दोज एनिमल्स दे मेंटेन्स देयर इंटरनल ऑस्मोलैरिटी। ये दोनों भी इसको नहीं आ सकते, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर तीन पे जाएंगे। पढ़िए आप भी, थोड़ा सा पढ़िए, आप पहले दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर क्या हो सकता है, राइट? वी कैन प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन, दिस इज फैसिलिटेड बाई स्पेशल मैकेनिज्म, वॉट इज दैट मैकेनिज्म कॉल्ड एज, राइट? तो यूरिन में कॉन्सेंट्रेटेड या तो फिर डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा चुका है। रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी, बच्चे आएगा? आप भी दिमाग लगाओ, बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो अलग मैकेनिज्म है, इसमें डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड बनने का सवाल नहीं पैदा होता। रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन इन डीसीटी, इससे तो डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा आंसर बिल्कुल ए बी और सी नहीं है, तो बच्चे मेरा आंसर डी, काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हेनलीज लूप एंड वाज़ारेग्टा। सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा, बहुत से बच्चे इस टॉपिक पे ध्यान नहीं देते, प्लीज जिनका नहीं हुआ होगा प्लीज, काउंटर करंट मैकेनिज्म मैंने आपके नोट्स में अच्छे से बना के दिया है, उनको फॉलो करो। दोनों डायग्राम काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्शन जैसे दो अलग अलग टॉपिक होते हैं विच आर रिलेटेड टू द यू कैन सी मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन बाय यूरिया एंड सोडियम। सबसे बड़ी बात है काउंटर करंट मैकेनिज्म जो करते हैं, एक्सचेंजर करते हैं, वो सोडियम और यूरिया का एक्सचेंज करते हैं वाज़ारेग्टा में और हेनलीज लूप में, आप प्लीज इसको देख लीजिएगा। तो दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर पे जाएंगे। द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडीज इन सलाइवा इज, तो चलो एंटीबॉडी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, हमारे सलाइवा में कौन सा एंटीबॉडी हो सकता है? बच्चे सलाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको न्यूट्रिशन के 25 क्वेश्चन दिए, न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन के, ये वापस न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन 25 क्वेश्चन है। कल मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का और तो क्वेश्चन देके वापस हम जेनेटिक्स पे जल्दी चले जाएंगे 2 दिन के अंदर ही, ठीक है? सो द प्री डोमिनेंट एंटीबॉडी इन सलाइवा इज, तो बच्चों IgG, IgA, IgM एंड IgD, यहाँ पे आई नहीं है बट आई होना चाहिए। IG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं उनके अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, दैट आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देखा जाए तो IgM होता है, IgG, हम सब लोग इम्यूनिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप एक बार उसको फॉलो करो। बट द एंटीबॉडी दैट अपियर्स इन सलाइवा इज IgA, हमेशा याद रखेंगे सलाइवा के अंदर जो एंटीबॉडी होता है वो IgA होता है बच्चों, जो IgA एंटीबॉडी होता है दैट इज आल्सो ट्रांसप्लासेंटल, राइट? ये भी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। द इलास्मो ब्रांच एंड ये जो होता है सिलिकेंस, इन इलास्मो ब्रांच एंड सिलिकेंस ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड्स इज रेज्ड बाय एक्युमुलेटिंग ऑस्मोलाइट्स इन द बॉडी, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोलाइट्स आर। बच्चों अगर आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको बताया है कि जो इलास्मो ब्रांच होते हैं दीज आर नथिंग बट द ये जो होते हैं मरीन फिश होते हैं बच्चों, याद रखेंगे मरीन फिश होते हैं, और जो सिलोकैंस होते हैं, सिलोकैंस भी मरीन एनिमल्स होते हैं, मरीन फिश होते हैं। इन दोनों के अंदर ऑस्मोलारिटी मेंटेन करने के लिए
क्या होना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल था ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑस्मोलाइट्स। तो बच्चों इसका आंसर है इलास्मोब्रान, जो कार्टिलेज फिश होते हैं उनके अंदर यूरिया को रिटेन किया जाता है टू मेंटेन द ऑस्मोलारिटी। एंड ये जो सिलोकैन आपके सामने रखे हैं इनके अंदर ट्राई मिथिल अमाइन ऑक्साइड होता है। बच्चों मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, आप एक्सक्रीशन में देखिए, अदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स में मैंने ये टीएमओ का एग्जाम्पल आपको दे के रखा है। तो इसका आंसर ए भी है और बी भी है, रिस्पेक्टिवली हमें देना है, तो आंसर बोथ ए एंड बी आएगा। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे, अर्थवर्म्स आर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सीबीएसई 2006 का क्वेश्चन है बच्चों, मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। अर्थवर्म्स आर, तो बोलेंगे आप अर्थवर्म क्या होते हैं? ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप लोग पढ़े हैं तो अर्थवर्म जो होते हैं वो बच्चों यूरियोटेलिक भी हो सकते हैं और वो अमोनोटेलिक भी हो सकते हैं। तो यूरिकोटेलिक ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, यूरिकोटेलिक है ही नहीं, वो ड्यूअल मोड में चले जाएंगे, एक तो अमोनोटेलिक होंगे या तो फिर यूरियोटेलिक होंगे। ये तो यूरिको तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ए और बी में बिल्कुल नहीं जाना है। अमोनोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, ये हो सकता है, और यूरियोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, नो, आंसर इज सी, अर्थवर्म सर अमोनोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। यूरियोटेलिक वो तब बनेंगे जब वाटर अवेलेबल नहीं होगा, याद रखेंगे। सो अर्थवर्म कम्स अंडर द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूअल एक्सक्रीशन, ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन में अर्थवर्म आएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे, देखिए एम्स का क्वेश्चन है 2005 का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको करेक्ट वर्ड पे अंडरलाइन कर लेना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी बात हमें इसमें नीचे ढूंढना है, तीन इनकरेक्ट ढूंढना है, इसलिए मैंने बोला था व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल कैमल डू नॉट प्रोड्यूस यूरिन बट स्टोर्स यूरिया इन टिश्यूज। हमें करेक्ट ढूंढना है, इसमें तीन तीन जो क्वेश्चन है इनकरेक्ट, एक ही करेक्ट होगा। व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल कैमल डू नॉट प्रोड्यूस यूरिन बट स्टोर्स यूरिया इन द टिश्यू। बच्चों ये क्वेश्चन हो सकता है, दिस कैन बी करेक्ट स्टेटमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ए करेक्ट हो सकता है, बट फिर भी हमें बी सी और डी को इनकरेक्ट साबित करना पड़ेगा। सैल्मन फिश एक्सक्रीट्स लॉट ऑफ स्टोर्ड सॉल्ट्स थ्रू गिल्स, गिल मेम्ब्रेन इन द फ्रेश वाटर। बच्चों ये मरीन फिश है, देखिए कहां से कहां हमारा नॉलेज भागते जाता है, ये मरीन फिश है, ये दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश वाटर। पैरामेशियम डिस्चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वेकल्स, बिल्कुल नहीं, ये डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशंस को डिस्चार्ज करते हैं। द बॉडी ऑफ फ्रेश बॉडी फ्लूड ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स आर जनरली हाइपोटोनिक, नो दे आर हाइपरटोनिक, दे आर हाइपोटो ही एक्सचेंज हो सकता है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जो है ए होगा, व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल कैमल डू नॉट प्रोड्यूस यूरिन बट स्टोर्स यूरिया इन द टिश्यू। वैसे भी कैमल और ये जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो इंटरेस्टिंग सा, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कैमल एक ऐसा एनिमल मतलब डेजर्ट मैमल जो भी है, इनमें लुपोफेनले का लेंथ बहुत ज्यादा होता है एंड दीज एनिमल्स प्रोड्यूसेस एसिडिक यूरिन, जो हमारे यूरिन का पीएच हम बोलते हैं 6.8, बट इनका यूरिन का पीएच होता है डेजर्ट मैमल्स का 5 होता है, हमेशा याद रखना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे होती है, ये वन ऑफ द यू कैन सी डेजर्ट जो एनिमल्स है उनका अडेप्टेशन का एक सेंटेंस यहाँ पे आप दिमाग में रख सकते हैं, जो लोग हम एनवायरमेंटल साइंस में बीस केयर के बारे में पढ़े, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करे बच्चों, प्लीज इन क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कॉलम टाइप क्वेश्चन है जो मैच द कॉलम होता है, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये भी एम्स 2005 का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर सिक्रेशन इज करेक्टली मैच, बच्चों इस पे करेक्टली मैच मेंटेन करेंगे विद इट्स सोर्स टारगेट एंड नेचर ऑफ एक्शन। तो देखा जाएगा तो करेक्टली मैच पेयर कौन सा, गैस्ट्रिन सोर्स स्टमक लाइनिंग, टारगेट ऑक्सेंटिक सेल्स, एक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ HCl, इन में से कौन सा करेक्ट पेयर है ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो उसका सोर्स टारगेट एंड नेचर ऑफ एक्शन ये सब का सब उसमें करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, गैस्ट्रिन स्टमक लाइनिंग ये भी करेक्ट है, ऑक्सेंटिक सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ HCl, इनिबिन सर्टोली सेल्स क्या है, हाइपोथैलेमस इनिबिशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ गोनाड्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, एंटेरोकाइनेस डिओडेनम गॉल बैडर रिलीज ऑफ बाइल जूस ये भी करेक्ट है, एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर ऐसे नोड पे एक्ट करेगा, एम सेल्स ऑफ एट्रिया सोर्स है, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपिथेलियम JGA पे एक्ट करेगा एंड इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ रेनिन। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आपका क्या आ सकता है, प्लीज आप दिमाग लगाए कि कौन सा सिक्रेशंस करेक्टली उसका मैच है, राइट। तो यहाँ पे गैस्ट्रिन जो है बच्चों नो डाउट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय
stomach lining, and it also acts on target organ and helps in production of gastric juice. ये भी सही है. इनहिबिन जो होता है सर्दुली सेल से बनता है, वो हाइपोथैलेमस को टारगेट करते हैं और इनहिबिट से सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. एंटेरोकाइनेज जो होता है बच्चों, वो डिवोडेनम से सिक्रेट होता है. एंटेरोकाइनेज ये डिवोडेनम से सिक्रेट होता है, बट ये गॉल ब्लैडर पे एक्ट नहीं करेंगे. एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम क्या करेंगे, और ये जो इनहिबिन है, इनहिबिन बच्चों जो होता है, ये इनहिबिन क्या करता है, एफएसएच के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, सर्टुली सेल का प्रोडक्शन वाला है. ये एंट्रोकाइनेज पे मैं नहीं जाऊंगा, ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोकाइनेज सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो कुछ पैनक्रेटिक एंजाइम से उनको एक्टिवेट करने का काम करेंगे, बाकी ये डिओडेनम में तो सही है. एएनएफ नाम का जो फैक्टर होता है, एट्रिया के एम सेल से बनता है, बट बच्चों इसका एक्शन जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस पे नहीं है, क्योंकि एएनएफ क्या करेंगे, एएनएफ बेसिकली एक्ट्स ऑन नेफ्रॉन, और वहां से वो क्या करते हैं, नेफ्रॉन से एक्ट करके ये सोडियम के रिएक्शन रोकने का काम करते हैं. बट वैसे देखा जाए तो इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ रेनिन अगर हुआ तो ये भी सेंटेंस उसका सही हो सकता है, क्योंकि एएनएफ जो होता है वो क्या करते हैं, सोडियम को एक्सक्रीट करते हैं. इट इंक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम. एट्रियल नैट्रियोटिक फैक्टर बच्चों, नैट्रम का मतलब होता है सोडियम, यूरिन का मतलब होता है यूरिटिक का मतलब होता है यूरिन. सो दैट मींस एएनएफ कॉजेस लॉस ऑफ सोडियम. इट कॉजेस व्हाट, लॉस ऑफ सोडियम. तो मुझे यहाँ पे करेक्टली मैच में अगर जाना है तो मैं डी पे जाना चाहूंगा. ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, नाइन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन पे. द फोर्स दैट मूव्स द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज एंड बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन इज, कौन सा ऐसा फोर्स है जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन में दिखा गया है. द फोर्स दैट मूव्स द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरी एंड बोमेंस कैप्सूल इज नथिंग बट द ब्लड प्रेशर. बाकी पेरिस्टाल्सिस तो नहीं है, बेटिंग ऑफ सीलिया भी नहीं है, ग्रेविटी में आंसर ब्लड प्रेशर है. ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 भी कॉलम टाइप क्वेश्चन. देखो आपके सिंपल से आपको कॉलम टाइप क्वेश्चन में मजा आता है सॉल्व करने में. करेक्ट आपको देखना है, गॉबलेट सेल्स है, म्यूकस, लाइजोजाइम आपका है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, सलाइवा के अंदर आप जाओ, सबलिंगुअल ग्लैंड, ऑक्सेंटिक सेल्स में जाओ, एचसीएल. तो आई थिंक इसमें जो कॉलम बनेगा ए बनेगा आपका. यहाँ देखिए ऑप्शंस में देखिए, ए बनेगा आपका गॉबलेट सेल, बनेगा आपका म्यूकस, ए टू बनेगा बच्चों, ए टू आपका दो जगह पे, बी लाइजोजाइम वन आना चाहिए, एंटीबैक्टीरियल, तो मतलब आपका आंसर यहाँ पे डी आएगा. ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं. चलो क्वेश्चन नंबर 11 में जाएंगे. मैच द एबनॉर्मल कंडीशंस, क्वेश्चन नंबर 11, मैच द एबनॉर्मल कंडीशंस गिवन इन कॉलम ए विद द एक्सप्रेशंस गिवन कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. यही सही बात है, तो चलो मैच करेंगे अभी बस. यस, ये देखिए ग्लाइकोजूरिया क्या होता है बच्चों, बताइए. इट इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. रीनल कैलकुला क्या होता है, इट इज नथिंग बट द यहाँ पे मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स विद इन, नहीं ये क्या हो सकता है. चलो देन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस. गाउट क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड. बहुत सिंपल है, ए फोर आना चाहिए. देखिए ए फोर शायद दो जगह पे आपको मिल रहा है. बी जो है रीनल कैलकुलेट, बी टू आना चाहिए, बी टू यहाँ पे आपको मिल रहा है, बी टू यहाँ पे, तो हमारा आंसर डी आ गया. ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 डी आंसर है. यस, तो 12 में जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ विटामिन ए. देखो विटामिन ए का सोर्स कौन सा नहीं हो सकता, आपको यहाँ पे कैरेट दिया है, मैंगो है, एप्पल है, ईस्ट है. बच्चे जो भी ज्यादातर येलोइश कलर के फ्रूट्स होते हैं उनमें आपको विटामिन ए जरूर मिलता है. वी कैनॉट गो फॉर कैरेट बिकॉज कैरेट इज 100% सोर्स ऑफ विटामिन ए. ठीक है ना, नॉट ए सोर्स बोलेंगे, मैंगो उसका सोर्स है, एप्पल भी है, एंड ईस्ट विल बी आंसर. ईस्ट इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन ए. कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, सिंपल से बात है, विटामिन के. विटामिन के इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर, यस, विटामिन के जो है बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है. किस बात के लिए, हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन बनता है लीवर के अंदर, प्रोटीन बनता है, उसको बनाने के लिए विटामिन के बहुत जरूरी होता है. देखिए सीबीएसई 2002 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर विटामिन के आएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. हमने कल भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स. बच्चों अमीनो एसिड्स में भी एक क्लासिफिकेशन है, बट फैटी एसिड्स में भी एक क्लासिफिकेशन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. तो इसके लिए बच्चों आपको थोड़ा सा 11th का बायोकेमिस्ट्री जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. तो अनसैचुरेटेड जो ओलिक एसिड इज अनसैचुरेटेड,
लिनोलेइक एसिड भी है, लिनोलेइक भी है, स्टियरिक एसिड जो होता है वो सैचुरेटेड है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे डी आएगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 15, शिफ्टिंग ऑफ अमोनोटेलिज्म टू यूरियोटेलिज्म इज सीन इन, तो मतलब पहले अमोनोटेलिज्म है बाद में यूरियोटेलिज्म हो जाएगा। बच्चों 2007 का क्वेश्चन है, सीईटी में पूछा जा चुका है कहीं पे, जेईई 2007 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सीधा सीधा आपके पास है फ्रॉग, क्योंकि टैडपोल ऑफ द फ्रॉग इज अमोनोटेलिक एंड एडल्ट बिकम्स व्हाट, यूरियोटेलिक। नंबर 16, सम ऑफ द एनिमल्स ईट देयर फेसेस टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोस कंटेंट, अगेन सच एनिमल्स आर नोन एज, ये हमने जो डाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया था इसमें हमने पढ़ा है, मैंने सब पढ़ा है, सैंगिवोरस आर दोज एनिमल्स विच फीड्स ऑन ब्लड, आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, लीच होता है, ये सैंगिवोरस, फ्रुगिवोरस इज नथिंग बट दोज एनिमल्स विच फीड्स ऑन फ्रूट्स, पैरेट हमारे पास एग्जाम्पल होता है, पैरेट पैपस हमारे पास एग्जाम्पल होता है, सिटाकुला हम जिसको बोलते हैं पैरेट, फ्रुगिवोरस, कैप्रोफेगस आर दोज विच ईट देयर ओन फेसिस टू डाइजेस्ट द सेलुलोस कंटेंट अगेन, ये इसका कैप्रोफेगस आंसर याद रखेंगे हमेशा, डेट्राइटिवोरस आर दोज विच फीड्स ऑन डेट्राइटिस, अर्थवर्म हमारा इसका एग्जांपल होता है, तो मैं इस पे जाना चाहूंगा सी, 16 इज गोइंग टू बी सी आंसर, कैप्रोफेगस हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। एंटीनरी ग्लैंड्स ऑफ द क्रस्टेशियंस आर मेड फॉर, नो डाउट ये चैप्टर हम तो बच्चों इसमें एक्सक्रीशन की बात करें तो आपका आंसर एक्सक्रीशन हो जाएगा, बट हमें हमारे नॉलेज के लिए याद होना चाहिए कि क्रस्टेशियंस के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो योर आंसर शुड बी एंटीनरी ग्लैंड्स। वाइटामिन, क्वेश्चन नंबर 18, द वाइटामिन दैट इज एक्सक्रीटेड बाय यूरिन इन हायर वर्टिब्रेट्स इज, बच्चों ये जो वाइटामिन होना चाहिए जो हायर यूरिन में पास हो रहा था, सबसे पहले ये वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, तो इसमें आपको वाइटामिन जो फैट सोल्यूबल उसमें जाना नहीं है, वाइटामिन ए फैट सोल्यूबल, के फैट सोल्यूबल, ई फैट सोल्यूबल, इसमें एक ही देखो ऑड मैन आउट, एक ऐसे क्वेश्चन में जाना है, इसका आंसर वाइटामिन सी आएगा विच कैन बी एक्सक्रीटेड बाय यूरिन बिकॉज ये वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, फॉलोइंग आर नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन एमआईएमएस, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, देखो हर जगह पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा विटामिन यहाँ पे आपको ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है, बच्चों सिंपल सी बात है, हमने अभी भी पहले पढ़ चुका था विटामिन के एंड कैल्शियम, रिमेंबर कैल्शियम इज द फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर, बच्चों हमारे बॉडी के अंदर टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर, जिसमें आपने पहले पढ़ा प्रोथ्रॉम्बिन, फाइब्रिनोजन, द क्लॉटिंग फैक्टर्स, देन कैल्शियम, देन क्रिस्मस, बहुत सारे फैक्टर्स है, ऐसे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है, उसमें कैल्शियम फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये हमारा आंसर यहाँ पे बी आएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 20, द फूड दैट एंटर्स द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक इज कॉल्ड एज, द फूड दैट एंटर्स इंटेस्टाइन्स फ्रॉम द स्टमक, ये एसिडिक होता है इसको काइम बोला जाता है, एसिडिक फूड इज कॉल्ड काइम, एपीएमसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दो तीन बार पूछे जा चुके हैं, इसको हम काइम बोलेंगे, और हम जो अल्कलाइन फूड होते हैं उसको काइल बोलते हैं, याद रखेंगे, तो आंसर इज गोइंग टू बी बी, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोजन इज करेक्ट, हमने इसके पहले भी ग्लाइकोजन के बारे में बोल चुके हैं, ग्लाइकोजन के बारे में देखिए शायद रिपीट क्वेश्चन आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लाइकोजन होता है पॉलीसेकेराइड व्हिच इज सिंथेसाइज एंड स्टोर्ड इन द लीवर, ये क्वेश्चन मेरे कल के वीडियो में भी आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो 22 पे जाएंगे, व्हाट इज 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक्स एंड एक्सक्रीट्स एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स थ्रू द गिल मेम्ब्रेन्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, इसका मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक एंड एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स थ्रू द गिल मेम्ब्रेन, नीचे जो लिखा पड़ा है आपके सामने सब के सब फिश होने चाहिए, एंड दे मस्ट बी द मरीन फिश, क्योंकि यहाँ पे साफ पता चल रहा है एक्सेस सॉल्ट्स थ्रू गिल मेम्ब्रेन से वो एक्सक्रीट करेंगे, हिल्सा सैल्मन फिश दैट माइग्रेट्स बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी ऐसे एग्जाम्पल्स है, दे ड्रिंक एंड एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स थ्रू द गिल मेम्ब्रेन टू मेंटेन देयर ऑस्मोलैरिटी। चलो आगे जाएंगे, व्हाट डज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या होना चाहिए, वाटर एंड प्लाज्मा प्रोटीन जरूर, वाटर एंड यूरिया ये भी होता है, वाटर यूरिया ग्लूकोज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होता है, लिपिड्स में नहीं जाऊंगा, आंसर सी आएगा, ठीक है। 24th, a dental disease characterized by mottling of teeth is due to excess of certain chemical elements
द ड्रिंकिंग वाटर विच ऑफ दिस एलिमेंट फ्लोरिन, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए तो अगर मैं पूछा जा चुका है पीएचयू में, फ्लोरिन जो होता है बच्चे दैट कॉल्ड फ्लोरोसिस, इसको हम एक नॉकनी सिंड्रोम करके भी बोलते हैं, जो फ्लोरिन के एक्सेस की वजह से होता है। बट डेंटल केरीज हम जिसको बोलते हैं, द मॉटलिंग ऑफ टीथ जिसको बोलते हैं, वो एक्सेस ऑफ फ्लोराइड्स की वजह से हो सकता है। सो 24C होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, द पॉलीपेप्टाइड विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल प्रेशर सिस्टम इज, थोड़ा सा अलग से पूछ दे, देखो पॉलीपेप्टाइड टर्म यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये पेप्टाइड होगा। देखिए ऑक्सीटोसिन भी पेप्टाइड है, वैसोप्रेसिन पेप्टाइड है, ब्राडिकाइनिन पेप्टाइड है, या एंजियोटेंसिन भी पेप्टाइड है। तो जो आपके रीनल प्रेशर को मेंटेन करेगा, ये एंजियोटेंसिन 2 होता है, जो ऑक्टोपेप्टाइड होता है, इट इज नथिंग बट एंजियोटेंसिन 2। तो बच्चों इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन आपके दे दो चैप्टर के कवर करे हैं। कल हम अगले वीडियो में, मतलब जब भी आपके सामने आएगा, तो और दो चैप्टर्स को मैं साथ में मिला के कर दूंगा, जैसे सर्कुलेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है उसको साथ में कर दूंगा, तो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मैं टोटल क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपके सामने दूंगा, और आपका टेस्ट भी इसमें कंडक्ट कराऊंगा, फिर हम एक दो दिन में जेनेटिक्स में चले जाएंगे। प्लीज, इतना खास रिस्पॉन्स मुझे नहीं लग रहा है, क्रैश कोर्स का बैच मैंने शुरू किया है, जो मेरे नीट रिपीटर्स के बच्चे हैं और जो क्रैश कोर्स के एग्जाम गोइंग बच्चे हैं, प्लीज बच्चों ऐसे वीडियोस को लाइक करो, थोड़ा सा शेयर भी करो आपके बच्चों के साथ, ये देखने में मजा आता है। अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वैसे भी आप मुझे बोल दो कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, हम हमारा कर लेंगे, वैसे भी बच्चों मुझे कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास दूसरे भी वीडियो बनाने हैं रेगुलर बच्चों के लिए। तो प्लीज ये आपके लिए मैं एडिशनली करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे आपको कर दूंगा जब तक आपका एग्जाम आ जाएगा, इस पर भरोसा रखिए। और प्लीज इस ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और ऐसे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, आपको दोस्तों को भी ये सब वीडियो शेयर कीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये आपके लिए फ्री में है। और आपके जो भी कमेंट्स है, मेरा नंबर आपके पास दिया है, प्लीज उसको भी मुझे थोड़ा सा फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।